ਮੁਹੱਬਤਾ ਦੇ ਅਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੜਿਆਲ ਦੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸਦੁੱਲਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਪਰੋਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਤੇ ਰਿਹਾਮ ਖਾਂ ਹੋਰੀ ਸਨ। ਰਜ਼ਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਦੁੱਲਾ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵਫਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਸਦੁੱਲਾ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਰਿਆਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਵਰਸਾ ਕੋਲ ਸਹਾਬਤ ਸੀ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ عطا ਕੀਤੀ ਹਮਾਰਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਹਾਫਤ ਸੇ ਵਬਸਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ और हक गोई को बयान करते हुए हक गोई को लिखते हुए सारा ये मामला तय करेंगे और ये हमारे लिए मुश्किल राह है। तो मेरी ये गिरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको मजीद मर्तबा अता फरमाए और हम सब भी अच्छे अच्छे काम करने के लिए जो है इनका साथ दे मुल्क के पाकिस्तान को अल्लाह पाक खुशहाली नसीब फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक बेहतरीन क़यादत बेहतरीन इस्लामी क़यादत अता फरमाए। असद भुल्लर साहब का शुक्रिया भी अदा करने हैं साडा फखर भी है मेरा दोस्त भी है मेरा भरा भी है असि कानूनी लोग हैं असद ने तो संभाल को लेकर तो यूरोपीय यूनियन तक अपनी नुमाइंदगी करे तो यह तुहाडा तुहाडे वास्ते अरदास है पाकिस्तान का सरदार भाई ने मेरा प्रोग्राम सजाया है अपना कीमती टाइम कढ के सारे लोग आए ने मैं तह दल मशहूर ममनून हाँ मैं मिर्जा देश पंजाब का मैं सिर ते पंड पिछड़ी चाई ना लगा ता पग मेरी नू यारो मैं प्रीत एवें नभाई ना किसे दी रोली मैं पग पैरां ना इश्क नू लीक लाई चोरां वांग नहीं कढ़ी मैं मंग अपनी चिट्टे दिन मैं बाजियां नाल वेई ना छटी तीर कमान हथों ना कदी छटी तीर कमान हथों ना अख किसे हेठ चंड में लाई नजर सवली नहीं ये रब रहमान दी मेरी किसे कंड नहीं जलाई। इस मौके उत्ते उचेचे परौने आख्या कि जेकर बंदा अपनी रहतल नाल इश्क निभाउण दा जज्बा रखदा है ते फिर ही ओ अणखी अखवान दा हकदार है। असी असदुल्ला भुल्लर विच ए खूबी भी वेखी है ते अपने देश दे वकार लई लड़दियां भी वेख्या। आहा दिन ते मेरा सिर्फ इन्ना ही बलदा कि मैं तमाम जेहड़े गलती ने उचेचे परौने ने साडे इस तकलीफ दे विच अफसोस लिया खान साहब मुहतरमा उस बाद जनाब साडे सादे मुहतरम सादे मुकरर जनाब मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब बहुत मान जो बड़े भाई मतलब काबर वान साहब काबर हुसैन अवान साहब उस बाद जनाब दसके तशरीफ लाए साडे त्री मंदी साहब का सांझ जनाब अब्दुल हमीद जनाब साहब कस्तम नफरी सर वो दोस्त जब मैंने सहाफत का आगाज किया था जब मैंने सहाफत की नर्सरी से स्टार्ट किया था तो मेरे यहाँ पर जो आज तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद है ये मैं उस वक्त बच्चा होता था और ये मेरे बड़े थे सारे दस्तक इकबाल भट्ट साहब ट्रैफिक में थे मलक आबद अवान साहब ये वो शख्सियत है
जब उन्होंने ये पौधा लगाया प्रेस क्लब बेगो वाला का, तो मैंने बता रहे क्राइम रिपोर्टर वहां से रोजनामा पोस्ट पार्टन के प्लेटफॉर्म से अपनी सहाफत का आगाज किया। तो इस वजह से मैंने फिर रिहाब साहब को वहां पे रोक के रखा। मैंने कहा कि जब तक तमाम लोग नहीं पहुंचेंगे आप जरा थोड़ा सा सफर पे। तो उन्होंने बड़ी इज्जत अफजाई की और मैं उनका मशहूर हूँ। तो जहाँ तक अब बात चलती है कि जहाँ तक गुरों का गुरुस्त है उस पर तारक अजीज बड़े मोहतरम दोस्त, ये मेरे भाई भी हैं, बड़े दोस्त भी हैं, प्रेस क्लब के समय आप चेयरमैन, तमाम मेम्बरान जिन्होंने ये महफिल सजाई, तो उनका ममनून और मशहूर हूँ। माशाल्लाह जी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, सियालकोट हजरत इमामत बख्श रहमतुल्लाह सरकार का शहर है और उसमें खास अब हजरत इमामत अली हक सरकार का भी शहर है, वहां पे खास रहमत अल्लाह तआला की फजल है। लेकिन सबरे आल पे भी तो खास फजल है अल्लाह का कि सियालकोट के जितने मनसूबे हैं ना वो सबरे आल पे मिले, जिसमें एयरपोर्ट है, रेलपोर्ट है, माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज आ रही है और यहाँ के होनहार जो लोग हमारे हैं जो पूरी दुनिया में सियालकोट का पाकिस्तान नाम रोशन कर रहे हैं वो फराज तस्कीन के लायक है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है और इंशाल्लाह तो ये सफर जाके सारी रहेगा, हमारी दुआएं आपके साथ है। रसूलुल्लाह साहब से मेरी मुलाकात हुई, सहाफत किताब या जो भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया करना चाहते हैं वो अगर मुझे ना भी पता होता तो 30 सेकंड में मेरे कोऑर्डिनेटर ने ऊपर आकर मुझे कहा कि इतनाई 30 शख्स हैं, बहुत ही अच्छा अखलाक का शख्स है। मैं नीचे आई, मैंने 30 सेकंड में पहचान लिया कि ये शख्स जेन्युइन है और इसका जो अखलाक है और इसकी जो एम्बिशन है, अजम है, वो यहाँ तक भी इसको लेके आया है। और मेरी सपोर्ट, आपकी सपोर्ट भी, ये शख्स, ये समरियाल का बेटा आपसे और मुझसे मनवा लेगा क्योंकि ये अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। असदुल्लाह पुल्लर नाल मेरी शनासाई जो बहुत पुरानी है और मैं समझना कि उसे से बचपन तो ये जज्बा मौजूद सी कि वो अगे बदन के जज्बे नाल काम करना चाहता सी और यकीन उस काम किया, उस पाकिस्तान काम किया, दयारे गैर च रह के ओवरसीज वास्ते उस बहुत मेहनत की और अपने आप में मनवाया और लोगों के मिसाल करना सोच। मैं समझना कि असी ओदी कमां दी जिन्नी भी सराहना की जाए, जिन्नी भी तारीफ की जाए घट, अल्लाह ताला उन्हों हमेशा कामयाबियां दे और फले फुले और इस तो बाद अपनी कौम की, अपने इलाके की, पाकिस्तान की और ओवरसीज पाकिस्तान की खिदमत करे। अज के इस अकैठ पंजाबी का बहुत जिक्र है, मैं मशहूर हाँ रियान खान साहब का कि उन्होंने एक सामने एहसास दवाया कि मदर लैंग्वेज या माँ बोली जी वो किसी कौम वास्ते कितनी जरूरी है। सजना मित्रां दे इस इकट्ठ ने जिथे बीते वेले दियां यादां ताजियां कीतियां उत्थे ही उस रीत दा अमली मुजाहरा भी पेश कीता जो देश पंजाब दे होनहार सपूतां नूं सराहण दी गल करदी है।